रेडियस 40 मीटर, चार सौ मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फ्रिक्शन, निकालिए। अगर फ्रिक्शन की बात करें, वेदर इट विल टेक सेफ टर्न और नॉट। सेफ टर्न चेक करना है तो मैक्सिमम स्पीड चेक कर लो, मैक्सिमम स्पीड से कम होनी चाहिए ये 25 मीटर पर सेकेंड। वो तो सेफ टर्न वाला गेम, तो बस मैक्सिमम से कम होना चाहिए। वो चेक कर लिया तब तो सेफ टर्न है, अदरवाइज फिर अपना नॉर्मल मेथड से इसको फ्रिक्शन को निकालना। करिए फटाफट, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, छोटी 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 बहुत सारी चीजें। सब में वही नियम है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, उसी को पुट करते हुए चलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करिए। फ्रिक्शन निकालना है, फॉर्मूले आपके पास है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा बराबर 0.4। ये वैल्यू दे रखी है तो कैसे होगा, क्या होगा देखिए। थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, मैंने पहले ही देख लिया, इज इक्वल टू एम। एम 10 kg ले लीजिए, 10 × v 25 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 10 g। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर चेक करना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से कम होनी चाहिए। यहां से एन निकाल लो, एफ निकाल लो, फिर वैल्यू चेक कर लो। ये नहीं कि एफ की वैल्यू म्यू एन पुट कर देंगे। इससे छोटी है तो सेफ टर्न, इससे बड़ी है तो नॉट सेफ टर्न। इक्वेशन जो मैंने कल बताए थे उनके ऊपर ध्यान रखते हुए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। हमेशा रटिए नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम ही चेक करनी है, किसी भी स्पीड पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग आएगी। सेफ टर्न ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, उसके लिए तो कुछ मत कीजिए, सीधे मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है तो सेफ टर्न है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब तमाम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भाई, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, अभी हमने कहा ना v बराबर रूट आर जी टेन थीटा, सेम फॉर्मूला बनाएंगे। साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट क्या करता है, अपने टायर को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, तो जो रिएक्शन फोर्स होता है, रिएक्शन फोर्स बेसिकली नॉर्मल और उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो हम रिएक्शन फोर्स को आर से शो कर रहे हैं, इसका वेट जमीन की तरफ शो कर रहे हैं, जमीन पे ये है और सेंटर यहां पे, इसके अबाउट आर रेडियस पे घूमते हुए जा रहे हैं। मैं इसको कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर लेता हूँ। मान लो मैंने कितना एंगल घूमा, थीटा एंगल, तो मैं रिएक्शन फोर्स को दो भागों में तोड़ देता हूँ। आर साइन थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स। मैंने पहले भी समझाया फ्रिक्शन और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन कहलाता है रिएक्शन। अब मैं जब टायर चला रहा हूँ तो वहां स्टेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको दोनों को अलग अलग ट्रीट करने की बजाय मैंने एक ही फोर्स रिएक्शन फोर्स शो कर दिया, जो हमेशा टायर के अलॉन्ग चलेगा। जिस तरफ टायर घुमाऊंगा उसके अलॉन्ग इन्फ्लेटेड टायर की वजह से
मुझे टोटल ओवरऑल रिएक्शन फोर्सेस मिलते हैं टायर के परपेंडिकुलर, टायर तिरछा कर दूंगा तो यूं मिलेगा, वो फ्रिक्शन और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो ये आर भी बेसिकली फ्रिक्शन और नॉर्मल कॉम्बिनेशन, लेकिन मैंने इसको रिएक्शन फोर्स यूज कर लिया और हमेशा ट्यूब के अलॉन्ग चलेगा, मतलब टायर के अलॉन्ग चलेगा। तो थीटा आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर कॉस थीटा मेरे वेट को बैलेंस कर लेगा एम जे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिया तो टेन थीटा बराबर आ गया बी स्क्वायर बाई आर जे, या थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स बी स्क्वायर बाई आर जे। सेफ टर्न लेने के लिए मुझे इतना एंगल घुमाना पड़ेगा, मैं अपने साइकिल को इतनी एंगल पे रोटेट कर दूंगा, एंगल रोटेटेड बाय साइक्लिस्ट। ठीक है, कोई मुश्किल तो है नहीं, देखिए आर कंपोनेंट नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। एक टेबल दे रखी है, इस पे घूम रहा है और नीचे से मैंने डोर को पकड़ रखा, यहां से मैंने टेंशन लगा रखा, तो ये घूम रहा है, यहां टेंशन हो गया, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ mg जमीन टेबल है, टेबल पे घुमा रहा हूं mg डाउनवर्ड, तो t बराबर mv स्क्वायर बाई r और n बराबर mg, फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है, म्यू बराबर जीरो, कॉनिकल पेंडुलम बोल। ऐसे कंकल पेंडुलम ये यहां से बांध रखा गया है और ये यूं घूम रहा है, इस सर्कल में। तो ये हो गया टेंशन, ये हो गया एम जी, रेडियस दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो ये एल है थीटा है, आर बराबर एल साइन थीटा। ठीक, आप टी को रिजॉल्व कर लो, पुराना नियम ही चल रहा है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर नहीं पता तो फिगर देख लिया, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब जिनमें से जो पूछे वो निकाल लो, बस इक्वेशन बनाना मेन काम, जो चीज पूछे वो निकाल लो, थीटा पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है, आर ओमेगा, रेडियस रेडियस कुछ भी, तो जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को लेकर के सॉल्व कर लिया। पूछता है वर्टिकल सर्कल, यही हमको पढ़ना है, यही से हम वर्क एनर्जी थ्योरम को भी अप्लाई कर लेंगे, पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। जब ये चलेगा तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेंशन। अब देखो मैं हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल को लेकर के जनरली कंडीशन उठाता हूं, तो मैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, इन तीनों को लेता हूं। ठीक, स्ट्रिंग मास एंड बॉल इनसाइड स्फीयर, दोनों के लिए गेम से उसमें नॉर्मल लगता है, इसमें टेंशन लगता है, तो तीन जगहें आपको पकड़नी है। इधर ले लेते हैं टी वन, इधर ले लेते हैं टी टू, इधर ले लेते हैं टी थ्री, टेंशन लग रहा है, इस पोजीशन पे जनरल टेंशन टी ले लेते, अलग अलग जगहों पे टेंशन अलग अलग, यहां वेलोसिटी को ले लेते हैं वी वन, यहां वेलोसिटी को ले लेते हैं वी टू, चेंज भी होती रहती है, और यहां वेलोसिटी को ले लेते हैं वी थ्री, और यहां वेलोसिटी को ले लेते हैं वी, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है, देख लीजिए। अब नियम चल रहा है जो पुराना नियम था वही नियम चलने वाला है, क्या नियम था, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल फोर्स आप फोर्स आपको क्या दे देगा,
टेंजेंशियल फोर्स आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों पॉसिबल। ऊपर जाते वक्त रिटार्डेशन मिलेगा, नीचे आते वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। ऊपर जाते वक्त स्पीड घटती रहेगी, नीचे जाते वक्त स्पीड बढ़ती रहेगी। ये हमको कॉमन सेंस वाइज पता है। तो अभी जरा इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, इस जगह पे ब्लॉक के ऊपर वेट नीचे लग रहा है, सेंटर यहाँ है लोएस्ट पोजिशन पर, तो टी वन माइनस एम जे इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर। किसी को डाउट? मुझे नहीं लगता। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर बराबर क्या होना चाहिए? एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इस पे एम जे नीचे लग रहा है, टेंशन इस तरफ लग रहा है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? टी टू बराबर एम वी टू स्क्वायर बाई आर। तीसरे वाले पे एम जे नीचे ही लग रहा है, टी थ्री प्लस एम जे बराबर एम वी थ्री स्क्वायर बाई आर। इस पोजिशन पे आ जाओ, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इक्वेशन बन जाएगी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टी प्लस एम जी, मैं हमेशा वर्टिकल से लेता हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा इसका बड़ा यूज है, एम वी स्क्वायर बाई आर। जनरल पोजिशन देख लीजिए फिगर से, एम जी को रिजोल्व किया तो इधर आएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी साइन थीटा। इनफैक्ट मैं इसके बगल में ये भी लिख दूं, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी। ठीक है, टेंजेंशियल वाला ये चीज आपको क्लियर हो गई। टेंशन वेंशन की क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल नहीं है। टी माइ नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको पुट किया, वैल्यू निकाल लिए, जो पूछ पाछ रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरफ अब नॉर्मल है, अगर अगर बॉल अंदर की तरफ फैल रही है वी वेलोसिटी से, तो यहां पर भी वही गेम बनेगा, नॉर्मल अंदर एम जी इधर, एंगल में हमेशा वर्टिकल से लेता हूँ, मेरी हैबिट अच्छा भी रहता है। एन प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम डी वी बाई डी टी, दोनों केस सेम। ये वाला ऊपर वाला केस अलग होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्कल, मैंने पहले ही बताया था, बता चुका हूँ ना मैं, सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या बेसिक कंडीशन है भाई, लॉजिकली सोचने वाली बात है। स्ट्रिंग को घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए। सबसे क्रिटिकल पोजीशन कौन सी है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंशन, ये टी मैक्स है, मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पोजीशन, और टी थ्री है टी मिनिमम। देख लीजिए ये क्या है, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर, ये क्या है एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। सबसे मैक्सिमम तो ये हो गया, मिनिमम ये हो गया। तो इस सर्कल को कंप्लीट करना है तो बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, लॉजिकली सोच के बताइए। लॉजिकली यही कि टेंशन अगर समय जीरो होना चाहिए, टेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज हमें हमेशा अपने टेंशन को जीरो से बड़ा रखना। तो टी मिनिमम की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, जीरो, यानी टी थ्री की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। या मैं लिख सकता हूं एम वी थ्री स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी, ये था मेरा टी थ्री और इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो वी थ्री की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई आर जी, v3 minimum is equal to root rg for completing circle. सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए। किस केस में? इन दोनों केस में ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ऊपर वाले केस में बात करने लगे। तो ये तो नियम चलेंगे ही चलेंगे, इसके अलावा क्या चलेगा नियम? हमको मिनिमम स्पीड स्पीड निकालने, तो निकाल लेते हैं चलो।
अलग अलग जगहों पे वर्क एनर्जी लगा करके यहाँ वहाँ स्ट्रिंग स्लैक की कंडीशन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है, कॉन्टेक्ट ब्रेक. इफ नॉट सो स्ट्रिंग स्लैक बिफोर टॉम इन अपर हाफ. स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी और टेंशन बिकम जीरो. तो टी प्लस एम जी पोजिशन निकालनी है तो किस जगह निकलेगी, वर्क एनर्जी लगाई जाएगी. टी प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, किस जगह होगी, और टेंशन की वैल्यू जीरो रख देंगे तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. इसको वर्क एनर्जी में यूज कर लेंगे के वन के टू यू वन यू टू के तौर. तो वो कंडीशन है जहां पर स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी या कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा. स्ट्रिंग स्लैक बिफोर टॉप इन अपर हाफ. ठीक है, इसको ध्यान रखना है. हमने इनकी स्पीड्स तो निकाली ली थी. वी वन मिनिमम कितना आ रहा था, रूट फाइव जी आर. निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वर्क एनर्जी तो लगनी ही लगनी है. K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2 बराबर K3 प्लस U3. तो इन दोनों को ले लेते हैं. हाफ ऑफ इस लाइन को मैं जीरो लाइन मान लेता हूँ, U बराबर जीरो लाइन मान ली. तो हाफ ऑफ M V1 स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ M V की वैल्यू RG. रूट फाइव जी आर आ गया, सॉल्व कर लिया. के टू प्लस यू टू बराबर के थ्री प्लस यू थ्री. हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी आर बराबर हाफ ऑफ एम वी की वैल्यू आर जी है प्लस एम जी आर एम जी इंटू टू आर. सॉल्व कर लिया तो वी टू की वैल्यू आ गई रूट थ्री जी आर. जनरल पोजिशन पर जनरल वेलोसिटी जनरल पोजीशन पे जाओ. ठीक है, ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो. आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको यू बराबर जीरो लाइन दूंगा. U बराबर जीरो लाइन मैंने पहले ही बताया, मेरी मर्जी, कहीं मान ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो लाइन मानी जा सकती है. ठीक है, चलिए देखते हैं. हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी के वन प्लस यू वन इज इक्वल टू के टू प्लस यू टू एम जी आर कॉस थ्री बराबर हाफ ऑफ एम वी की वैल्यू कितनी आर जी रूट आर जी का स्क्वायर किया प्लस एम जी आर. सॉल्व कर लिया, वी स्क्वायर बराबर थ्री आर जी माइनस टू कॉस थीटा आर जी. तो वी बराबर रूट आर जी थ्री माइनस टू कॉस थीटा. बस थीटा याद रखिए, हम लोग कौन सा लेते हैं, ये वी मिनिमम. क्या हो गया, कैसे कैसे आवाज निकाल रहा भाई, कौन है, पूजा छिपकली पिली तो नहीं आ गई, छिपकली कॉकरोच ऑक्रोच टाइप से कुछ, अचानक से आदमी चूहा छिपकली कॉकरोच. कौन कौन सी लड़कियां डरती हैं भाई, कौन कौन सी बच्चियां डरती हैं बताओ, किस किस को डर लगता है कॉकरोच चूहे और उससे छिपकली से, वही नहीं डरता है, बहुत बहादुर हैं भाई ये लोग. ठीक है, हकीकत तो हकीकत ही है, घर वाले जानते होंगे. सर चैट डिसेबल है. चैट डिसेबल, अच्छा ओहो, एक तो रोज ये चैट डिसेबल वाली कहानी. आप बताओ कौन कौन डरता है भाई.
कौन कौन चूहे छिपकली और कॉकरोच से डरता है? दलिशम तुम डरती हो? हाँ डरना चाहिए बेटे, ये तो बेसिक ट्रेट्स हैं गर्ल्स के। हाँ डरना चाहिए बिल्कुल, ये लड़कियों के बेसिक ट्रेट्स हैं, जरूरी हैं, डरते हैं। अब जैसे पूजा नहीं अचानक से चिल्ला दी थी, तो मुझे लगता है कोई छिपकली पिपकली कॉकरोच वॉकरोच बगल से गुजर गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। अब ध्यान दीजिए कि ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन सकती है, बस आपको कंडीशन फॉर स्लैकिंग चाहिए। तो मिनिमम इतनी स्पीड किसी भी पोजिशन पे होगी, तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के तरीके से, सर्कल कंप्लीट करने के लिए कंडीशन है कंप्लीटिंग सर्कल। ठीक, अब हम इसी में स्लैकिंग और स्लैकिंग वाली कहानी कर लेते हैं। तो मैं इसको एक टूल के तरीके से आपको सिखाता हूं। जनरली पेंडुलम के केस में डिस्कशन किया जाता है, और वेलोसिटी की बात अगर की जाए तो तीन केस में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक पेंडुलम दे रखा है, जनरली पेंडुलम के बारे में बात करते हैं, तो तीन केसेस पे आपको याद रखना है। लोएस्ट पोजीशन पे बात करनी है, अदरवाइज K100 स्लिंग स्टैक की, वी और वी। अगर V ग्रेटर देन रूट 5 GR है, सर्कल कंप्लीट, सबसे बेसिक कंडीशन। V लेस देन रूट 2 GR है, पेंडुलम मेंटेन इन लोअर हाफ, एच बराबर वी स्क्वायर बाई 2। सीधे मतलब ये यहीं तक जाएगा बस, तो ये वाला भाई सर्कल कंप्लीट कर ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर v की वैल्यू रूट 5 GR, ये चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, और रूट 2 GR से बड़ी है, स्ट्रिंग विल स्लैक, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, स्ट्रिंग विल स्लैक एट अपर हाफ, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2 लगाना है, और साथ साथ ये कंडीशन लगानी है, एंड T2 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको एज ए टूल के तरीके से याद रखिए। लोएस्ट पोजीशन पे जनरली देता है, लोएस्ट पे नहीं देगा तो फिर किसी और पोजीशन पे देगा, तो चेक कर लीजिए स्ट्रिंग स्लैक कर रही है क्या कर रही है, जिस पोजीशन में पूछे वहां पर चेक कर लीजिए। अगर इससे बड़ी स्पीड है तो स्ट्रिंग सर्कल कंप्लीट है, और अगर इससे छोटी स्पीड है सर्कल कंप्लीट हो ही नहीं सकता लॉजिकली, जिस पोजीशन की बात करें। तो कम से कम इतनी वेलोसिटी किसी भी पोजीशन के लिए चाहिए, तो ये याद रखना, ये वैल्यू याद रहेगी तो अपने आप सारा गेम याद रहेगा। अब स्ट्रिंग स्लैक करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, थोड़ा उसके ऊपर देख लेते हैं बात। जैसे ये ले लेते हैं 10, आर की वैल्यू ले लेते हैं 10 मीटर, और इसकी वेलोसिटी दे देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल ठीक है, अब आप बताओ क्या करेगा, ये कहां तक जाएगा आपके हिसाब से?
रूट जी आर की वैल्यू आ रही है 10, इसके हिसाब से चेक कर लो, 10√2 और 10√5। ये 10√2, √2 जी आर, √5 जी आर, ये तो 10√2 से भी कम है। हाँ, 10√2 से भी कम है वेलोसिटी, तो इसका मतलब ही किसी एंगल तक जाएगा और जाके रुक जाएगा। और इस केस में हाइट की वैल्यू भी याद रखिए, हाइट की वैल्यू ये है और ये होगी h बराबर r 1 माइनस cos थीटा। ये जो हाइट होगी इसकी वैल्यू cos थीटा के टर्म में भी निकल सकती है। कई बार एंगल पूछ लेता है तो एंगल भी याद रखना, छोटी सी टेबल भले ही है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो किसी हाइट तक गया, एंगल पूछ लेता है कितना एंगल घूमेगा, कुछ मत करो, h बराबर r 1 माइनस cos थीटा बराबर v स्क्वायर बाय 2g, v बराबर √2g होता है ना। तो यहाँ सिंपल गेम है, सीधे हाइट वाला गेम है ये, और ये वैल्यू पुट कर लो, r की वैल्यू 10, 1 माइनस cos थीटा, या पहले h निकालो, h बराबर v स्क्वायर 100 बटे 2 इंटू 10 5, h बराबर 5 मीटर, और r 10, 1 माइनस cos थीटा बराबर 5, cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री, इस एंगल तक रोटेट कर लिया। रूट 5 gr से बड़ा है तब तो भाई सोचना ही नहीं, तब तो कुछ कहानी नहीं। अब मैं प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ तीन स्टेप में, मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स बन सकती है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला हूँ जब मैं रूट 2 gr और रूट 5 gr के बीच में बात करता हूँ। 1, 2, 3 कई प्रॉब्लम बन जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा, क्या होगा, तो मैं पहले केवल वो कंडीशन निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि आगे कहाँ जाता है। वही सेम क्वेश्चन कॉन्टेक्ट ब्रेक के लिए भी होगा नॉर्मल वाले केस में। होगा क्या, ये एंगल थीटा है, इस जगह पहुंच के स्ट्रिंग हो जाएगी स्लैब थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, सेकेंड पोजीशन, स्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, प्रोजेक्टाइल के तरीके से, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल, टाइल मोशन आफ्टर स्लैक, इनिशियल वेलोसिटी वी and angle from horizontal is equal to theta, इसके बाद ही motion होगी, इसके बाद ही भाई साहब वहां जाएंगे, कितनी height तक जाएंगे, range पूछेगा, maximum height h v square sine square theta by 2g, ये रेंज होगी, इसके बाद ही चलता चला जाएगा, कुल मिला के एक्स वाई कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर है, एक्स बराबर वी कॉस थीटा, वी वाई बराबर वी साइन, ए एक्स बराबर 0, ए वाई बराबर माइनस, सॉल्व अकॉर्डिंगली जो पूछता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में जनरली यही पूछते हैं कहाँ स्ट्रिंग स्ट्रैक कर रहे हैं उसके, लेकिन उसके बाद अगर मोशन पूछे तो प्रोजेक्टाइल जाएगा, आफ्टर दैट इट विल बी प्रोजेक्टाइल। तो इसको सिंपल प्रोजेक्टाइल के तरीके से ही सॉल्व करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोजेक्टाइल की तो कहाँ गिरेगा, कितनी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम मैक्स हाइट देखिए फिगर से,
एच मैक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। देख लीजिए अक्सर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछता है, मैक्सिमम हाइट के फॉर्म में पूछता है। एच मैक्स की वैल्यू कितनी है, आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच, एच हमने निकाल ही दिया कितनी हाइट तक जा रहा है, एच बराबर वी स्क्वायर साइन थीटा बाई टू जी, ये इसकी इसके ऊपर की हाइट है, ये इसके ऊपर की हाइट है, इसके अलावा यहां तक तो पहुंची गया इतनी हाइट, कितनी हाइट पूछता है वो उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा, सभी लोग समझिएगा। एक पेंडुलम लिया मैंने, इसकी आर की वैल्यू चलिए मैंने 10 मीटर ले ली, ठीक है, पी बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो मुझे क्लियर कट पता है रूट टू जी आर बराबर 10 रूट टू, रूट फाइव जी आर बराबर 10 रूट फाइव, ये दोनों वेलोसिटीज मुझे मिल गई, ये वेलोसिटी इन दोनों के बीच में ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है, इन दोनों के बीच में, इसका मतलब है स्ट्रिंग 100% कहीं ना कहीं जा करके स्लैक कर जाएगी। कितने एंगल पे स्लैक करेगी, चलिए थीटा मान लिया मैंने, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड। अब कंडीशन लगाना, इधर टेंशन एम जी, अब इसका रोल इसीलिए मुझे सर्कुलर मोशन पढ़ाना पड़ता, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता ये एम जी को, जब रिजोल्व किया तो इधर आ गया एम जी कॉस थीटा, यही गेम है बेसिकली। स्ट्रिंग स्लैक करने के लिए टेंशन जीरो हो गया, तो एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हिडन रूप में आपको पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बताता है, एम जी आर कॉस थीटा बाई एट, ये डायरेक्ट करने की बजाय के वन हाफ एम की वैल्यू चलो तुम लोग ले लो 10 के जी ले लो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे पड़ जाता है हाफ ऑफ 10 इंटू 20 का स्क्वायर, के टू निकालना है 10 इंटू 10 इंटू 10 कॉस थीटा बाई टू, यू वन चलो मैं इसको जीरो मान लेता हूँ जीरो, यू टू बराबर एम 10 10 10 एम जी आर वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, 60 आ रही नहीं 60 आ जाएगी, 100 500 cos थीटा माइनस 2000 प्लस 1000 वन प्लस cos थीटा बराबर जी cos थीटा माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा बराबर 0 3 cos थीटा, अच्छा 2 आ रहा है 2 3 cos थीटा बराबर 2 cos थीटा बराबर 2 by 3 cos इनवर्स 2 by 3 काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, cos थीटा की वैल्यू 2 by 3 आ गई, ठीक है। अब मुझसे पूछता है मैक्सिमम हाइट बताओ भाई, ये पोजीशन यहाँ आ गई, इस जगह पे स्ट्रिंग स्लैक करेगा, तो पहला कास स्ट्रिंग स्लैक कहाँ करेगी, क्वेश्चन ये बन गया, इस जगह पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स आर प्लस आर कॉस थीटा प्लस एच, तो 10 प्लस 10 इंटू 2 बाई 3 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और वी की वैल्यू हमने निकाली रखी है, वी की वैल्यू कितनी आ रही है, वी स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर बराबर है आर जी कॉस थीटा, ठीक है। 10 प्लस 20 बाई 3 तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर जी cos थीटा, r स्क्वायर
कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर रूट फाइव बाई थ्री, वैल्यू पुट कर लो आंसर आ जाएगा। चेक लीजिए सभी लोग, समझ में आया ये? फिर से एक्सप्लेन करूं, कंडीशन कई चीजें जोड़ती है, जहां स्ट्रिंग स्लैक करेगी वहां टेंशन हो जाएगा जीरो, और ये बताने के लिए चुपचाप धीरे से इनडायरेक्टली बता रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को मेंशन कर रहा है, क्या मेंशन कर रहा है? फिर से हाँ मैं बता ही रहा हूँ बेटे, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मुझे मालूम है स्ट्रिंग स्लैक करने की कंडीशन है कि इस जगह पे टेंशन की वैल्यू जीरो, जनरल एंगल थीटा माना मैंने, माना कि इस जगह पे स्ट्रिंग स्लैक कर जा रही है, उस जगह टेंशन की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो उस जगह पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स का रूल तो कभी चेंज होगा नहीं, जब अभी तक वो सर्कुलर पाथ में अब स्ट्रिंग स्लैक कर रही है, इसका मतलब टिल दिस कंडीशन वो सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर बराबर टी प्लस एम जी, तो टी की वैल्यू जीरो है बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ये कंडीशन लगा दी। देखिए यहां से हमको चुपचाप धीरे से उसने क्या बता दिया, काइनेटिक एनर्जी बता दी, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो K1 K2 U1 U2 K1 आप एम बी स्क्वायर K2 निकाल ही रखा है, देखिए U1 जीरो मान लिया, U2 हाइट पे कितनी हाइट पे है, MGR 1 प्लस cos थीटा, ये R हो गया, ये R cos थीटा हो गया है ना, ये हाइट ये R cos थीटा, ये R तो कितनी हाइट हो गई, R प्लस cos थीटा, इसको लिया पूरा सॉल्व किया तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, मतलब इस एंगल पे वो स्लैक करता है, क्लियर। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी, एच मैक्स हम लोगों ने पहले बताया इस ऊंचाई तक तो पहुंच ही गया है, इसके बाद भी तो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल के तरीके से, इसके बाद कहां जाएगा वो, इसके बाद प्रोजेक्टाइल बनाएगा, प्रोजेक्टाइल के लिए हमने पहले ही डिस्कशन किया, इसको याद रखना है, जिस एंगल पे यहां है वही वो हॉरिजॉन्टल सेम एंगल मेंटेन करेगा, स्पीड हमने पहले ही निकाल ली है, वी निकाल चुके, थीटा हमने निकाल लिया, तो अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालने में तो कोई झंझट है नहीं, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला पता है, h बराबर क्या होता है, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी, हमने v की वैल्यू यहां से पुट कर ली, तो v r r + cos थीटा तक तो पहुंच ही गया था वो, उसके बाद भी प्रोजेक्टाइल के तौर पे h तक जाएगा, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए आप लोग करिए, बताइए मुझे, देखें कैसे करते हैं, r g cos थीटा होगा ना क्या बेटे, फिर आपने v स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा v स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्क्वायर कर दी क्या, हां v स्क्वायर की वैल्यू rg cos थीटा होगी, ठीक कह रहे हो, v स्क्वायर की वैल्यू rg cos थीटा, अब ये सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं दिमाग से, ठंडे दिमाग से, ठीक है, मैं ज्यादा वैल्यू नहीं देता, मैं सिंपल डाटा बेस देता, पूछिए कितना निकाले हैं 3.22 GR 1.4 GR 5 GR 2 GR, L लेंथ है, B की वैल्यू फाइंड मैक्स हाइट, मास का कोई लेना देना नहीं, M मान लीजिए, वेलोसिटी इसकी रूट 3 GL दी गई है, पूछता है फाइंड मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो कुछ तो 2R, किसी किसी का आंसर 2R आ जाएगा, अगर ये रूट 5 GL से बड़ी होती है तो ये आंसर होता है 2H, सॉरी 2R, लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये रूट 2 GL से बड़ा है और किसी न किसी एंगल पे जाके स्लैक करेगा, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन सभी लोग सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे सोच के समझ के ठंडे दिमाग से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से करिए।
आंसर नहीं आया अभी किसी लोगों को देखो ठीक है। अब एचमैक्स बता दो। एचमैक्स एल हाँ 8 MGL भाई। एमजीएल कहाँ है, हम कहाँ से आ गया भाई? एमजीएल एमजीएल तो आएगा ही नहीं। प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है जीएल कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू एल 1+1/3 प्लस जी से जी कट गया एल इनटू 1/3 इनटू 8/9 बाय टू फोर बाई थ्री और 8 × 4 = 27 है ये आंसर। देख लीजिए क्लियर हुआ। एक और दूं फोर नहीं आएगा। हाँ सर वहाँ 27 जहाँ है वहाँ पे 54 नहीं होएगा। देख लेते हैं 4/54 ठीक है। एक मिनट 4 × 9 4/3 ये 4/ सर ठीक है सर ये ठीक है ठीक है दो सर कट गया चलो कोई नहीं अपना गुणा भाग कर लेना ये सब कोई काम हम लोग का थोड़ी है आप कर लेंगे घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है वी बराबर 0 ऊपर से जा रही बॉल दोनों केस में अंतर है पिछले वाले केस में इस वाले केस में अंतर है ना वो बॉल वाला अंदर वाला गेम था इनर सर्कल के लिए भी सेम गेम बनेगा ठीक है। तब इसमें केस में नॉर्मल अंदर की तरफ एक्ट करेगा लेकिन इस केस में नॉर्मल किस तरफ एक्ट करेगा बाहर। फाइंड पोजीशन वेयर बॉल लीव कांटेक्ट लीव करने की कहानी हमने पहले ही सीख रखी। अब ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकंड कंडीशन K1, K2, U1, U2 अप्लाई करो और कंडीशन है नॉर्मल हो गए 0 एंगल मान लो थीटा
किस जगह पे कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा, लॉजिकल है, इसके ऊपर हमेशा तो बना नहीं रहेगा, इसके साथ चिपक कर चलेगा नहीं, यहाँ तक कहीं आएगा उसके सड़क के बाहर भाग जाएगा, इसके बाद प्रोजेक्टाइल वाला मोशन करेगा, जमीन पे जाकर गिरेगा कहीं, क्वेश्चन बन जाएगा कि जमीन पे कहाँ गिरेगा, वो भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये थीटा बताना है किस पोजीशन पे ये कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देगा। चलो बताओ भाई, K1, K2, U1, U2 पुट करो और वैल्यू लिखो, स्ट्रिंग फ्लैग कर जाएंगे। कल मैं और भी कुछ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, आज मैंने वर्टिकल सर्कल डिस्कस कर लिया है, कॉनिकल पेंडुलम, सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस दैट, तमाम कॉम्प्लेक्स वाली चीजें और ऐड करके सर्कुलर मोशन मोशन वाली कल ही कंप्लीट करेंगे। आज हो रहा है बुधवार, कल बृहस्पतिवार, शुक्र शनि रवि, तीन दिन रहेगा हमारे पास डाउट्स के लिए, तो कल ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। आज आप अपना काम कीजिए, सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा कुछ नहीं, शूडो ही है बेसिकली, अगर हम उसी फ्रेम में खड़े हो जाए तो जितना सेंट्रीपिटल लगता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल लगता है, बस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर्टी, लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम छोटी छोटी चीजें और भी हैं उनको कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीन दिन डाउट्स लेंगे, थर्ड तक खत्म हो गया तो बढ़िया, नहीं तो संडे भी रहेगा हमारे पास। इसमें क्या करना है, नॉर्मल बाहर, mg cos थीटा अंदर, तो mg cos थीटा माइनस n बराबर mv स्क्वायर बाई r, n जीरो हो गया तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर बराबर हो गया mg r, बिल्कुल वैसी प्रॉब्लम है, देख लीजिए, इसको u बराबर जीरो लाइन मान लिया, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2, तो जीरो प्लस एम जी आर बराबर एम जी आर कॉस थीटा, कई बार मैं आर स्मॉल कैपिटल लिख रहा हूं उसका मतलब वो आ रही है, ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर कॉस थीटा, तो 3/2 एम जी आर कॉस थीटा बराबर, यही लिख लेता हूं मैं, 3/2 एम जी आर कॉस थीटा बराबर एम जी आर, तो cos थीटा बराबर हो गया 2/3, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, अगर किसी बॉल को लुढ़का देंगे तो cos थीटा बराबर 2/3 एंगल पे जाकर वो कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देगा। समझ में आया ये बॉल लुढ़कते हुए, फर्स्ट कुल मिला के मुद्दा वही है, एक तो सेंट्रीपिटल वाला गेम लगना है और एक वर्क एनर्जी लगनी है, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल कंडीशन में उसने कंडीशन चुपचाप धीरे बता दी, कॉन्टेक्ट ब्रेक का मतलब नॉर्मल हो गया जीरो, जब नॉर्मल हो गया जीरो तो हमारे पास नेट फोर्स वर्ड सेंटर बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, पुट करके निकाल लिया वैल्यू, cos थीटा बराबर 2/3, वैल्यू निकल गई, क्लियर हो गया सबको ये क्या बच्चों? यस सर बढ़िया है, तो आज इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कल जो छोटी मोटी चीजें और बची हुई हैं, सेंट्रीफ्यूगल और दिस एंड दैट और हल्के फुल्के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक आध दो और चीजें, उनको डिस्कस कर कल ये चैप्टर कंप्लीट करें। अब आप लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जो बचेंगे वो फ्राइडे से हम डाउट लेना शुरू करेंगे, पहले हम वर्क एनर्जी के डाउट्स लेंगे फिर सर्कुलर मोशन के, या पहले सर्कुलर मोशन के ले लेते हैं फिर वर्क एनर्जी के ले लेते हैं, नहीं नहीं पहले वर्क एनर्जी, आप लोगों ने पहले वर्क एनर्जी किया होगा ना, तो वर्क एनर्जी के पहले लेते हैं उसके बाद सर्कुलर मोशन के लेंगे, ठीक है? बाकी बच्चों कल, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर, थैंक यू सर।